व्हाट्सअप एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। बतौर मुसलमान तो हम हर साल ईद की सेलिब्रेशंस करते हैं, मगर बतौर पाकिस्तानी इसको हम किस तरह से एक्नॉलेज करते हैं और कानून में हमारे लिए क्या क्या हुकूक व फराइज प्रोवाइडेड हैं पाकिस्तान के आइन के मुताबिक और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ऑल्दो जमहूरिया इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रही पाकिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद हम एक इस्लामिक रियासत हैं, एक इस्लामिक ममलिकत हैं। तो ईद जो कि इस्लाम में मुसलमानों का सबसे बड़ा इवेंट है, इसमें हम आज क्विकली 5 कवानीन पर गौर करेंगे, जिनमें से 2 हमारे फराइज से रिलेटेड हैं, कानूनी फराइज, इस्लामिक फराइज की बात नहीं मैं कर रहा, और 3 हमारे हकूक हैं जो कि पाकिस्तान के कवानीन के तहत हर पाकिस्तानी को प्रोवाइडेड है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गिला करना चाहता हूं कि आप लोग सलाम का जवाब भी नहीं देते, तो ईद मुबारक का जवाब भी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको मुनासिब लगे तो ईद मुबारक का जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। सो फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले बात करते हैं फ्राइज की। तो 2 इंपॉर्टेंट फ्राइज हैं हमारे ऊपर ईद के दौरान। नंबर 1 के आतिशबाजी ममनुआ है पाकिस्तान में दौरान ईद। अगर आप आतिशबाजी करते हैं तो वो कानूनन जुर्म है। और दूसरा कि किसी भी एनिमल को ज़िबा करते वक्त हम कम से कम तकलीफ दे तरीकाकार इस्तेमाल करने के पाबंद हैं। किसी ऐसे तरीके से किसी भी एनिमल को ज़िबा नहीं किया जा सकता, तकलीफ नहीं पहुंचाई जा सकती जिससे कि उसे, जो कि उसके लिए ज़्यादा पेनफुल हो। और एनिमल को ज़िबा करते वक्त हमारे साथ एक वेटनरी डॉक्टर का, एक लाइसेंस्ड वेटनरी टेक्नीशियन या डॉक्टर का मौजूद होना ज़रूरी है, और हमारे बल्दियाती अदालत के किसी नुमाइंदे का वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं हकूक की। तो सबसे पहले पंजाब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1938, जो कि अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है, उसके तहत हर पाकिस्तानी को उसका एम्प्लॉयर पाबंद है ईद के ऊपर एक बोनस देने का, जो कि इक्वल टू होगा उसकी सैलरी के। यहाँ हमें सिर्फ ईद पर एक एडवांस तनख्वाह दी जाती है, और वो भी एहसान के तौर पर जताई जाती है। दूसरा, सिक्योरिटी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अफवाज पाकिस्तान और पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि वो ईद को पूरा मन बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हर तरह से आवाम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, के पूरे पाकिस्तान में दोनों ईदें यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा को पब्लिक हॉलीडेज के तौर पर मनाया जाएगा, ये कानून भी पाकिस्तान में मौजूद है। अब आपने मुझे कमेंट में ये बताना है कि क्या आप इन कवानीन के बारे में पहले से आगाह थे या नहीं थे, और अगर नहीं थे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर पहले से थे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। ईद मुबारक वंस अगेन।